है ब्रो, अगर आपने निखिल सिद्धार्थ के मूवीज देखा है तो आपको पता होगा निखिल के जो मूवीज होते हैं वो माइंड ब्लोइंग होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको निखिल के सारे मूवीज का नाम बताऊंगा, थोड़ा सा स्टोरी बताऊंगा और हिंदी डब हुआ कि नहीं ये बताऊंगा, और सारे मूवीज का लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना और सब्सक्राइब करके घंटा दबा देना। लेट्स स्टार्ट। नंबर वन, किराक पार्टी। बात करें स्टोरी की तो यह स्टोरी पूरा का पूरा इंजीनियरिंग कॉलेज पे बेस्ड है। आपने इस मूवी को देख लिया तो ठीक है, अगर अभी तक नहीं देखा है तो ब्रो क्या कर रहे हो यार। मतलब इस मूवी को देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके आंखें भी भर आएंगे। और इस मूवी में सब कुछ है, फ्रेंडशिप, लव, इमोशन, फाइट, सस्पेंस। मतलब मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, इस मूवी को जाके जरूर देखो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए। और इस मूवी का हिंदी टाइटल सेम किराक पार्टी रखा गया है। नंबर टू, कार्तिक है। बात करें स्टोरी की तो कार्तिक एक मेडिकल स्टूडेंट जो कि मेडिकल कैंप के लिए सुब्रमण्यमपुर गया होता है। वहाँ पे उसे सुब्रमण्यम स्वामी जी का एक रहस्यमय मंदिर के बारे में पता चलता है। उसके बाद कार्तिक डिसाइड करता है कि वो पता लगाएगा कि मंदिर का रहस्य क्या है। एक कमाल का सस्पेंस थ्रिलर मूवी, और इस मूवी का हिंदी टाइटल अजनबी दास्तान स्थापित रखा गया है। नंबर थ्री, अर्जुन सुरभरम। बात करें स्टोरी की तो अर्जुन एक जर्नलिस्ट जो कि एक क्राइम का इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, पर वो अरेस्ट हो जाता है क्योंकि उसने क्राइम किया होता है। स्टोरी जितना सिंपल दिख रहा है उतना है नहीं। बहुत ही बढ़िया मूवी है यार, पर इस मूवी का हिंदी डब्ड अभी तक नहीं हुआ है। अगर हिंदी डब्ड का वेट कर रहे हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा दो, जब भी हिंदी डब्ड आए सीधा आपके पास पहुंच जाएगा। नंबर फोर, इक्कादी की पोताबू चिन्नावादा। हाय हाय, आपने इस मूवी को नहीं देखा है? साला मेरा दोस्त जिसे मूवी के बारे में कुछ पता नहीं है वो आके मुझे बोलता है तूने इक्कादी की देखा है, और आप बोल रहे हो आपने नहीं देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लो। ये कमाल का हॉरर कॉमेडी मूवी, और इस मूवी का हिंदी टाइटल वही इक्कादी के रखा गया है। नंबर फाइव, सूर्या वर्सेस सूर्या। बात करें स्टोरी की तो सूर्या को एक भयंकर बीमारी होता है जिसके लिए उसे बाहर जाना मना होता है। मतलब कभी कभार वो बाहर घूमता है। मूवी में ट्विस्ट तब आता है जब वो संजना के प्यार में पड़ जाता है। ब्रो एक कमाल का मूवी, और इस मूवी का हिंदी डब अभी तक नहीं हुआ है। नंबर सिक्स, हैप्पी डेज। बात करें स्टोरी की तो आठ दोस्तों का एक ग्रुप जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज से होते हैं और उनके पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, वो सब मिलके उसे कैसे सॉल्व करते हैं ये देखना है आपको। ये एक मल्टी स्टारर मूवी है, और इस मूवी का हिंदी डब अभी तक नहीं हुआ है। नंबर सेवन, केशवा। बात करें स्टोरी की तो केशव जिसे एक रेयर हार्ट डिजीज होता है, जो कि एक लॉ स्टूडेंट होता है जो कि पुलिस वालों को चुन चुन के मार रहा होता है, क्यों आप मूवी में देख लेना। ये कमाल का सस्पेंस क्राइम ड्रामा मूवी है, और इस मूवी का हिंदी टाइटल मर्द का इंतकाम रखा गया है। नंबर आठ, नंबर आठ पे जाने से पहले ब्रो अगर ये वीडियोस आपको सब पसंद आ रहा है तो आप लाइक और कमेंट करके बताना, और ऐसे ही कमाल के वीडियोस देखना है तो सब्सक्राइब करके घंटा दबा दो प्लीज। नंबर एट, शंकराभरणम। बात करें स्टोरी की तो एक NRI जो कि कंगाल हो चुका होता है, जब उसे पता चलता है कि इंडिया में उसका एक बंगला है और वो उसे बेचने के लिए प्लान बनाता है, और आपको ये देखना है कि कैसे वो इंडिया आता है और किडनैप हो जाता है। ब्रो एक शानदार रोमांटिक कॉमेडी मूवी है, और इस मूवी का हिंदी डब अभी तक नहीं हुआ है। नंबर नाइन, युवा था। बात करें स्टोरी की तो जब कुछ गुंडे बेबी को छेड़ रहे होते हैं तब बाबू आके उसे बचाता है, और वही फाइट में बेबी को चोट लग जाता है, सीरियस इंजर्ड हो जाती है बेबी, जिसके लिए उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। तब बाबू डिसाइड करता है कि वो एक बैंक लूटेगा जिससे वो बेबी का इलाज करवाएगा, और इस मूवी का हिंदी डब नहीं हुआ है। नंबर टेन, वेदुथेड़ा। बात करें स्टोरी की तो सिनू एक बिंदास लड़का मेघना के प्यार में पड़ जाता है पर उसे कुछ बता नहीं पाता। इस मूवी में ट्विस्ट तब आता है जब मेघना किडनैप हो जाती है और सिनू डिसाइड करता है कि उसे बचाने के लिए। ब्रो एक कमाल का लव स्टोरी मूवी है, और इस मूवी का हिंदी डब अभी तक नहीं हुआ है। नंबर 11, अलस्यम अमृतम। बात करें स्टोरी की तो राम जो कि गांव जाने के लिए ट्रेन का वेट कर रहा होता है, तब उसे एक लड़की मिलती है जो कि घर से भागी हुई होती है और उसके पीछे गुंडे पड़े हुए होते हैं। जब राम को पता चलता है एक्चुअल में लड़की सुसाइड करना चाहती है, तब राम उसके आसपास कैसे हमेशा रहता है और उसकी माइंड को कैसे बदलता है यह आपको देखना है। स्टोरी जितना सिंपल दिख रहा है उतना है नहीं, तो और इस मूवी का हिंदी डब भी नहीं हुआ है। नंबर 12, कालाबार किंग। बात करें स्टोरी की तो इतना खास नहीं है क्योंकि ये कॉमेडी मूवी है। राजेश अपना जिंदगी जी रहा होता है, कॉमेडी मूवी है, समझ सकते हो कैसे जिंदगी जी रहा होगा, कॉमेडी मूवी है यार। पर मूवी में ट्विस्ट तब आता है जब उसके लाइफ में श्रुति आती है। कॉमेडी मूवी है, देखना है देख सकते हो, नहीं तो नहीं। और इस मूवी का हिंदी डब भी नहीं हुआ है। ब्रो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और कमेंट करके बताओ, और ऐसे और ही वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब करके घंटा दबा दो यार। नंबर 13, ओम शांति। बात करें स्टोरी की तो जब एक आतंकवाद हैदराबाद में बम ब्लास्ट करने के लिए प्लान बनाते हैं तब पांच लोग ना जाने कहां से आ जाते हैं, बट अलग अलग जगह से आते हैं और लोगों को बचाते हैं। ब्रो स्टोरी जितना सिंपल दिख रहा है उतना है नहीं। ये एक मल्टी स्टारर मूवी है, और इस मूवी का हिंदी टाइटल ओम शांति रखा गया है। नंबर 14, अंकित पल्लवी एंड फ्रेंड्स। बात करें स्टोरी की तो अंकित जिसका सपना
एक म्यूजिशियन बनना होता है और बिंदास जिंदगी जीना होता है। पर जब वो पल्लवी के प्यार में पड़ जाता है तब तो सब ठीक होता है, पर ट्विस्ट तब आता है जब उनके एटीट्यूड आपस में मिलते नहीं है। बहुत पुराना मूवी है पर अच्छा मूवी है, और इस मूवी का हिंदी डब नहीं हुआ है। नंबर 14, डिस्को। बात करें स्टोरी की तो डिस्को एक अनाथ जिसके लिए दोस्ती ही सब कुछ होती है। जब वो सीनी के प्यार में पड़ जाता है जो कि एक बैंकॉक डॉन की बेटी होती है, तब क्या होता है जब वो डॉन उसके दोस्तों को किडनैप कर लाता है और दोस्ती और प्यार के बीच में एक को चुनने के लिए बोलता है। ब्रो एक शानदार मूवी है और मुझे नहीं लगता कि इस मूवी का हिंदी डब्ड हुआ होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्या 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 और क्या, निखिल के सारे मूवीज खत्म हो गए। अगर मुझसे कुछ छूट गया तो आप कमेंट कर सकते हो, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और प्लीज़ आपको क्या देखना है कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़।